Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माई चैनल हंग्री टमी। उम्मीद है आप सब बेहतरीन होंगे। और आज मैं गई थी ग्रॉसरी शॉपिंग, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये व्लॉग। और मैं यूजुअली तीन जगह से शॉपिंग करती हूँ, एक नेस्टो, कारफोर या फिर यूनियन कोऑपरेटिव से। इस बार नेस्टो पे बहुत अच्छी ऑफर लगी हुई थी रिसेंटली। आई थिंक आई गॉट द पैम्फलेट, मुझे पैम्फलेट मिला था तो 50% ऑफ लगा हुआ था ऑलमोस्ट ऑन मेनी थिंग्स। तो मुझे दालें लेनी थी, चिकन लेना था, ऑयल वगैरह चीज़ों को स्टॉकअप करना था, तो मैंने कहा मैं जाती हूँ। तो मैंने काफ़ी सारी दालें ली, जैसे आप देख सकते हैं। एक्चुअली वो फ्राइडे को जो हम पकाते हैं, तो मैंने कहा उसके लिए भी मैं थोड़ा ले लेती हूँ। प्रेप वर्क जो है वो एटलीस्ट 2 वीक्स का हो जाता है। तो फ्रूट्स वगैरह, टमाटर सस्ते लगे हुए थे, प्याज बहुत सस्ते लगे हुए थे, और प्याज भी बहुत अच्छे थे, बड़े बड़े साइज़ के, ये नहीं कि छोटे छोटे प्याज। मुझे यूजली मीडियम या फिर लार्ज साइज़ के प्याज लेना पसंद है, उससे ना खाना जो है वो जल्दी पक जाता है, काटने में इतना मसला नहीं होता। तो बस ये टमाटर और प्याज और ये सब लिए थे, और उसके साथ मैंने कुछ मिक्स वेज वगैरह भी लिए, क्योंकि वो मैं चावल बनाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट से, नेक्स्ट फ्राइडे को, इस फ्राइडे नहीं नेक्स्ट फ्राइडे को, तो उसमें मैं ये मिक्स वेज जो है वो शामिल कर सकती हूँ। तो बस चिकन जो है वो मैंने काफ़ी सारे लिए थे, चिकन मैंने ऑलमोस्ट 12 लिए थे, 10 जो लिए थे हमने वो पकाने के लिए लिए हैं, और 2 जो है वो घर के लिए लिए थे मैंने। तो बस उसके बाद फिर जल्दी घर आए, तो घर आते ही बस वही फिर सारा जो आपको पता है काम शुरू हो जाता है संभालने का। ग्रॉसरी संभालते संभालते इतना टाइम लग जाता है। जब पहले मैंने सोचा कि हम लोग बाहर से जो है वो ऑर्डर कर लेते हैं खाना, फिर मैंने सोचा इतना पैसा बचा के हम जो ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं, तो वही पैसा बाकी जो बचता है वो खाते पे लगा देते हैं बाहर से। कैसी अजीब बात है ये। तो बस वो साथ साथ अहमद मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी, कहते हैं आज आलू गोश्त चावल बनाओ, तो मैं जाने से पहले गोश्त वगैरह भी गो गई थी, तो बस साथ साथ मैंने वो बनाना शुरू कर दिया। तो आपको पता है कुकर वगैरह ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो वो मैं साथ साथ करती हूँ, साथ साथ चीज़ें समेटती हूँ। और मैंने बहुत गंद डाला हुआ था किचन में, आपको वो नज़र नहीं आएगा क्योंकि मैं वो नहीं दिखाऊँगी। तो उसके अलावा ये है कि मैं साथ साथ जब मैं चिकन वगैरह रख रही थी, तो मैंने फ्रीज़र भी साथ ही साफ़ करना शुरू कर दिया, तो वो भी सारा, और बाकी जो जो चीज़ें जो थी वो स्टॉकअप भी करती गई मैं साथ साथ। तो बस दालें वगैरह जो खाली जार थे वो भरती गई, सब चीज़ें करने के बाद साथ साथ खाना भी चल रहा था। तो बस ऐसे ही चीज़ें समेटने में, लाने लेने में इतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम जो है उनको अरेंज करने में, ऑर्गेनाइज करके रखने में। तो यूजली टमाटर जो है वो मैं लाती हूँ, तो मैं धो के सुखा के तो फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ, ताकि मुझे गीले गीले बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो नेक्स्ट डे फिर मैं रख देती हूँ। तो टमाटर यूजली मैं ना चॉप करके, सॉरी उसको ना मैं जब ऑफ़र लगती है, जब फॉर एग्जांपल 1.5 दिरम के या 2 दिरम के होते हैं टमाटर, मैं ज़्यादा ख़रीद लेती हूँ। फिर मैं उनको जो है वो चॉपराइज करके, यानी उसका पेस्ट बना के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। डोले चेक करो मेरे डोले छोले, तो वो फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि फिर वो खाने वगैरह में डालने में बहुत आसानी रहती है। आपने एक निकाला, 2 पैकेट निकाले और बस आपने डाल दिया, आपको टमाटर का इशू नहीं रहता। तो बस ये साथ साथ वही हरी मिर्चें चीज़ें चल रही थी, तो सारा डालते डालते तो साथ साथ बुनाई चीज़ें अपनी भी बुनाई हो रही थी मेरी, साथ साथ टिक्का बन रहा था मेरा किचन में। तो बस ये अभी जल्दी पक गया था, लेकिन ये है कि इतना टाइम नहीं लगा था मुझे। तो साथ साथ जो है वो मेरे हस्बैंड जो थे वो बाहर बैठे, चिकन जो है वो हम 10 जो मुर्गियाँ लेके आए थे उनको चॉप कर रहे थे साथ साथ। वो मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन मैं आपको दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी वो। तो बस ये बहुत अच्छा गोश्त जो है ना, वो आलू गोश्त बहुत अच्छा भुन गया था, बड़ा ज़बरदस्त बनाए। और बस इसी तरह सारा दिन मेरा गुजर गया, ग्रॉसरी रखते लाने में, चीज़ें करने में। और बिजी दिन था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, पर ज़ाहिर है खाना तो बनाना था। पहले मेरा दिल किया कि बस मैं छोड़ के किचन भाग जाऊँ बाहर और मैं जाके रेस्ट कर लूँ, लेकिन फिर बस जल्दी जल्दी मैं बीच बीच में जाके बैठती भी रही बाहर, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल, बहुत ही ज़्यादा। तो बस ये शोरबा वगैरह मैंने कर लिया था, और ये आप यकीन नहीं करेंगे बेहतरीन बना था माशाल्लाह। ये मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अल्लाह हाफिज़।